देखिए, हम यहाँ बचा हुआ दही लिए हैं। इसे हम 2 दिन से फ्रिज में रखे थे, तो सोचे कि चलिए आप लोग के साथ दही का एकदम अच्छा वाला वीडियो शेयर करूँ। एकदम यूनिक वीडियो है, देख करके सच में आप लोगों को लगेगा वाह। हमेशा हम लोग दही वेस्ट कर देते हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। आपका दही खट्टा हो तो भी चलेगा, खट्टा हो या मीठा हो, कोई भी दही आप यूज कर सकते। देखिए, 4 प्याज काट के एकदम पतले पतले पीसेस में ऐसे हाथ से इसको हम मसाल देंगे ताकि इसके सभी लच्छे अलग अलग खुल जाए। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप बेसन। आप कप या कटोरी किसी चीज़ से मेजर कर सकते हैं। और 1/2 कप ये हम आटा लिए हैं, गेहूं का आटा है। आप यहाँ चावल का आटा भी डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर। यहाँ हम 1/2 टीस्पून अजवाइन लिए हैं, इसको क्रश करके इसमें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1/2 टीस्पून काला जीरा, 5 से 6 इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, पतले पतले पीसेस में हम कट किए हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम चुटकी भर हींग। हींग जरूर डालिएगा, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम ये लच्छे वाली प्याज, जो हाथ से मसल मसल के हम इसका लच्छा अलग किए थे, सबको हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, नमक हम पहले नहीं डाले थे। और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी डालेंगे, जिससे मेरा दही थोड़ा खट्टा भी होगा तो बैलेंस हो जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, हाथ से ही मिक्स करना होगा, चम्मच से नहीं मिक्स होगा। यहाँ हम कढ़ाई लिए हैं, इसमें तेल डाल दिए हैं। देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा उठा करके हम इसमें डालेंगे। कढ़ाई में जितना प्लेस है उतना ही डालिएगा, अच्छा से सीख चुका है। हम इसे लट लेंगे। इतना बढ़िया कलर आया है ना। देखिए, हमारा ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा सीख चुका है। हम इसे स्टेज में हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। उसी तरह हम फिर पकौड़ों को इसमें डालेंगे। बहुत अच्छे से सीख चुका है, इस स्टेज में हम इसे निकाल लेंगे। यह बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। देखिए, हम 4 निकाले थे, 2 मेरे बच्चे खा भी लिए, इतना अच्छा लगता है, पूछिए मत। हमने दही और थोड़े से प्याज से इतने यमी से पकौड़े बना के तैयार कर लिए, खाने में लगता है बहुत ही यमी। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है, बहुत अच्छा खाने में लगता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।